देखिए, मैं मुसलमान का डेफिनेशन बता दूं आपको कि मुसलमान उसे कहते हैं जो तमाम चीजों के एक पैदा करने वाले अल्लाह की पूजा इबादत करे और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले। अब अगर हनुमान जी मुसलमान थे तो मोदी जी, योगी जी और अजय गौतम फौरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं ताकि स्वर्ग के रास्ते पर आ जाएं, मारने काटने की डिवाइड करने की बात बंद हो जाए, शांति उन्नति और एकता की बात हो। अगर हनुमान जी मुसलमान थे तो कभी भी मासूमों को मारने का बात नहीं करे होंगे, ना कभी उन्होंने मारा, और ये उनका एक्शन बताता है कि वो शांतिपूर्वक थे। तो अजय गौतम नाश की बात ना करे, उन्नति की बात करे। अरे बोलो ना, जय श्री राम। श्री राम लोगों को बोलते थे, हनुमान एक अल्लाह की पूजा करते थे, श्री राम लोगों को बोलते थे, श्री राम एक अल्लाह की पूजा करते थे, हनुमान एक अल्लाह की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। श्री राम नहीं बोले मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, एक अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह अकबर बोलो, नमाज कायम करो, भारत को तमाम क्राइम से, तमाम परेशानियों से, तमाम आजाद से बचा लो। वेदा में ला इलाहा इल्लल्लाह है, तुम ला इलाहा बताओ कौन से वेद में? ऋग्वेद एक काम ब्राह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं, नहीं नहीं सरा सभी नहीं।